हेलो फ्रेंड्स, बिना कंटिन्यू आइकन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं, तो इस बार भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी इनका एनालिसिस करेंगे और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकते हैं। इसके साथ में हम और भी एनालिसिस ऐड करते हैं, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल है या फिर आपका नेचुरल गैस है, कॉमोडिटीज जितनी भी है, सिल्वर है या फिर गोल्ड है, इनके साथ में। और हम ऐड करेंगे इसमें फॉरेक्स करेंसी पेयर, किनके साथ में आप काम कर सकते हैं या किन को लेके रख सकते हैं। तो कुछ ये पॉइंट्स हम आज डिस्कशन में लाएंगे, देखते हैं डिस्कशन में क्या क्या आता है। निफ्टी 50 को चलिए पहले डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, निफ्टी 50 का सपोर्ट कहाँ पर है। तो अगर मैं निफ्टी 50 के सपोर्ट की बात करता हूँ, तो निफ्टी 50 का जो आखिरी सपोर्ट हमें मिल रहा है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो निफ्टी 50 का जो मेरे को सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपका यहाँ पर। ये निफ्टी 50 का लास्ट सपोर्ट है। एनवे भी आप जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे एनवे। तो मार्केट ने देखिए ये एनवे बनाई और मार्केट का लास्ट सपोर्ट ये है और ये मंथली सपोर्ट है। और आप भी जानते हैं कि ये ट्विजर टॉप बना है और इसके नीचे मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बहुत टाइम हो गया है। तो एक कंसोलिडेशन बना हुआ है, तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है इधर साइड, नीचे या ऊपर। लेकिन अभी कहां पर ब्रेक करेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा हम यहाँ पर चेक करते हैं और पिवोट लगाते हैं। तो अगर पिवोट की बात करूं मैं, ये देखिए पिवोट पॉइंट है, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और वो क्या है दिमाग में कि मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस था जो कि अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट इससे नीचे तक आया, मंथली जो कैंडल ओपन हुई थी, और मार्केट वापस इसके ऊपर चला गया। दैट मीन्स बायर प्रेशर बढ़ गया, बायर बढ़ चुके हैं, तो इसके मार्केट के थोड़ा ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा बढ़ गए। मतलब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट अगर यहां से चलना शुरू होता है तो इस हाई तक मार्केट जा सकता है, या तो यहां तक या यहां तक। दो पॉइंट है जहां तक मार्केट अभी जा सकता है। तो हम थोड़े टाइम के लिए इसको बुलिश रखेंगे, मार्केट को बुलिश मानेंगे थोड़े टाइम के लिए कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ये दो पॉइंट है जहां पर मार्केट जा सकता है। अगर मैं वीकली एनालिसिस करता हूं तो मार्केट यहां तक ऊपर जा सकता है, इतना ऊपर मार्केट अभी मूव कर सकता है। दैट मीन्स अगर आप यहां से चेक करते हैं तो मार्केट का सपोर्ट कौन सा हुआ, हम सपोर्ट कैसे बना सकते हैं। मैं सपोर्ट बना के दिखाता हूं, सपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। मंथ का जो सपोर्ट है मैंने मार्क किया, मेरा सपोर्ट यहां पर है, ये देखिए ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा डाउन का सपोर्ट है। अगर मैं वीक देखता हूं तो वीक भी ऑलमोस्ट यही सपोर्ट मेरे को मिलेगा। अगर मैं डे देखता हूं तो डे का सपोर्ट मेरा जो आ रहा है वो डे का सपोर्ट इसके ऊपर है। दैट मीन्स अगर कल मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके ऊपर खुलेगा, तो इसके ऊपर खुलेगा तो हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो शायद एक या दो दिन मेरे को वेट करना पड़ सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर इसके ऊपर खुलेगा तो एक बड़ा मूव देखे जा सकता है। और अगर इस लाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये लाइन मेरी यहाँ पर आ रही है। अगर मैं वन आर का एक सपोर्ट ढूंढता हूँ, जो कि वन आर का सपोर्ट वैलिड नहीं होगा, लेकिन वन आर का सपोर्ट अगर मैं ढूंढता हूँ तो वन आर का सपोर्ट मेरे को कल पता लगेगा मंडे को। अगर मार्केट अपने पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा बाय मार्केट मेरे को देखे जा सकता है। तो अभी मैं कल वेट करूंगा एक घंटे के सपोर्ट की, जहां पर एक पिवोट बनेगा, अगर उसके ऊपर मार्केट ओपन होगा तो हम एक बाय दे सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बुलिश साइड रहेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है, बड़े टाइम फ्रेम, दैट मीन्स अगर वीक में देखूंगा या डे में देखूंगा वहां पर मार्केट थोड़ा सा बियरिश है। अभी जब तक वो बुलिश नहीं हो जाता, प्रॉपर बुलिश नहीं हो जाता, तब तक एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर इसी पॉइंट पर अगर मैं जाता हूं और बात करता हूं निफ्टी बैंक की, अगर मैं निफ्टी बैंक देखता हूं तो निफ्टी बैंक क्या कर रहे हैं जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी बैंक है और अगर मैं इसे मंथली बेसिस पर देखता हूं तो निफ्टी बैंक किसी भी सपोर्ट पर बैठा हुआ नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निफ्टी बैंक जो सपोर्ट पर बैठा है, आप चेक करें, ये इसका जो सपोर्ट है, ये वाला ये जोन है पूरा, इससे ही मार्केट रिजेक्शन दे रहा है और वापस जा रहा है। तो एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। तो अभी हम कुछ दिन के लिए बुलिश मोमेंटम में रहेंगे। मार्केट को हम अभी अगर मोमेंटम देखते हैं तो हम बुलिश रहेंगे, हम बियरिश नहीं रहेंगे। कुछ दिन के लिए हम बुलिश रहेंगे। जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, कोई भी रेजिस्टेंस, तब हम देखेंगे कि मार्केट वहां से क्रॉस करके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तब तक हम बुलिश रह सकते हैं। तो मार्केट को अगर कल मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा बुलिश रखेंगे। वर्ल्ड मार्केट क्या बोलता है कल इसको और चेक कर लेंगे। कुछ स्टॉक्स जो आप ट्रेड कर सकते हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला था जो विप्रो है, विप्रो को पहले देखते हैं,
मैंने आपको बोला था विप्रो को अभी एकदम से बाय में मत रखें, विप्रो एक सेलिंग की तरफ को जा सकता है, विप्रो एक सेलिंग की तरफ जा सकता है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें मार्केट का, मार्केट अगर अपना कोई वेव बना के ऊपर जाएगा तभी इसको बाय करें, अदरवाइज विप्रो आपका भी नीचे आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका रीजन भी है क्योंकि मार्केट में अगर मैं इस समय क्लाउड लगाता हूँ तो क्लाउड आप इसको चेक करें, मार्केट के अंदर इस समय जो क्लाउड है वो कन्वर्जन लाइन बाहर निकलने वाली है। देखिए ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कन्वर्जन लाइन यहाँ कहीं ट्रेड कर रही थी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कन्वर्जन लाइन अगर बाहर निकल गई तो एक डाउन मूव शुरू हो सकता है यहाँ से। अगर मार्केट में बेस लाइन जरा से नीचे आ जाती है तो क्लाउड के अंदर एंटर करेगी तो एक बड़ा डाउन विप्रो में आपको देखने को मिल सकता है। तो विप्रो को हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं बाय के लिए, लेकिन कौन से स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, अभी कौन से स्टॉक को बाय कर सकते हैं? जैसे मैंने डिस्कशन में लाया था कि जो पीएनबी है, पीएनबी मैंने सबको बोला था कि पीएनबी आपके पास अराउंड 80 के आसपास से रिटर्न हो सकता है। तो ये रिटर्न फेज में है, रिटर्न का मतलब रिट्रेसमेंट फेज में है और मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट की थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमें एक बाय पोजिशन क्रिएट करने को मिलेगी और ये पोजिशन अराउंड 56 तक हो सकती है, मंथ टाइम फ्रेम में 56 और वीक टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको मिल सकती है अराउंड 63। तो यहाँ से आपका 57 और 63 ये दोनों पोजिशन है। देखिए ये दोनों पोजिशन पर आप अभी चल रहे हैं मार्केट नीचे, तो मार्केट को यहाँ पर या यहाँ पर आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। पीएनबी आप 63 पर भी कर सकते हैं और 57 पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एवरेजिंग नहीं करना। लेकिन आप लोगों के लिए सजेशन है अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी उठ सकता है इस समय, हो सकता है पीएनबी कल ऊपर ही उठा हुआ मिले, तो आप क्या करें यहाँ से थोड़े थोड़े ना के बराबर जो स्टॉक होते हैं वो लें, जरा जरा से स्टॉक ले लें क्योंकि उनसे भी आपको फायदा होगा और मार्केट नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान मार्केट नहीं दे पाएगा। तो अगर आप सपोज 500 बाय करना चाहते हैं तो 25 आप बाय कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे करके आप बाय करें। और अगर करना ही है तो बाय करना ही है तो 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 50 यहाँ से, 100 यहाँ से ऐसे बाय करें, 200 यहाँ से ऐसे बाय करें। दैट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ बढ़ती जानी चाहिए तो आपके लिए एक अच्छा फायदा हो सकता है। तो ये पहला स्टॉक था पीएनबी जिसको हम बाय कर सकते थे। एक विप्रो हमने बोला कि विप्रो कर सकते हैं आप बाय, नहीं सॉरी विप्रो आप सेल कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाए। एक ये आपका IRCTC है, ये अभी बाय में आया है, इसको हम बाय में रख सकते हैं, इसको हम बाय में रख सकते हैं। लेकिन बाय में रखने का इसका तरीका क्या है, अगर मार्केट कल इसके ऊपर जाता है, 725 के ऊपर चलता है तो मार्केट एक बाय बुलिश मोमेंटम आपको दे सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि IRCTC अपने एक बुलिश मोमेंटम में कल निकलेगा। तो अगर बुलिश मोमेंटम होता है तो आप वहां से एक बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब को मैं सेल साइड पे देख रहा हूँ क्योंकि पॉलीकैब ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है तो एक रिट्रेसमेंट इसका एक्सपेक्टेड है। एक देखिए बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा था तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है इसका। तो अगर मार्केट अपने लो के नीचे आता है, मार्केट देखिए ट्राई कर रहे हैं, ये लो ब्रेक किया उसके बाद अब ये लो पे बैठा है मार्केट, तो अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो एक डाउन एक्सपेक्टेड है मार्केट का। तो हम पॉली कैप को एक डाउन की साइड में देखने की कोशिश करेंगे। तो आप पॉली कैप को तब तक अब हम बाय मत डालें जब तक मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे, ऐसे भी बोल सकते हैं अगर मार्केट में ये बोलता हूं तो ये मेरी ट्रेंड लाइन है तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक आपका कोई बाय नहीं बनता, राइट है? तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो पॉलीकैप को हम सेल में रखने वाले हैं, पॉलीकैप आप सेल कर सकते हैं तो सेल की पोजीशन का वेट कीजिए। एक स्टॉक आपके पास है जील, जील को भी आप बाय की साइड में रख सकते हैं। जील अभी देखिए रिटर्न कर रहा है, अगर आप यहां से देखते हैं तो मार्केट यहां रुका था, नीचे भी आया था और वापस रिटर्न कर रहा है यहां से पिवट पर, तो मार्केट एक आपको बाय प्रोवाइड करा सकता है जील की। लेकिन इसकी बाय होगी कहां पर, इसकी बाय इसके हाई के ऊपर होगी। That means, अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आ जाने दीजिए, अराउंड यहाँ तक आ जाने दीजिए 67 तक, 67 के ऊपर कहीं पर मैं बाय करूंगा तो मेरे को ज्यादा अच्छा पॉइंट मिलेगा। तो अराउंड 7 पॉइंट मेरे अभी डाउन पर है, मार्केट ऊपर आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा कैंडिडेट है बाय के लिए, इसे आप बाय करके रख सकते हैं। लेकिन इसके बाय की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपके पास क्या है कि ये मंथ टाइम फ्रेम में अपने पिवोट के ऊपर जाना चाहिए, तो आपका यहाँ पर एक बहुत अच्छा बाय आपको मिलता है। ये है 3070, तो अराउंड 3038 पर चल रहा है, 3070 पर आपको एक बाय मिल सकता है 3070। उससे पहले बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है,
3070 के ऊपर एक अच्छा बाय आपको देखने को मिल सकता है। तो हम हीरो मोटोकॉर्प को 3070 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है यूपीएल है, यूपीएल बहुत अच्छा स्टॉक है इस समय बाय करने के लिए, और आप इस समय चेक भी कर सकते हैं, मैं इस समय पीवोट बेस पर आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिए मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया था, ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यूपीएल को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट नीचे आया था, नीचे आया था, मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया, यहां से ट्राई किया और अब इसके ऊपर मार्केट चल सकता है। तो यूपीएल एक बाय के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, यूपीएल को यहीं पर ही बाय कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप इसके ऊपर हाई के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। तो यूपीएल अगर कल मॉर्निंग में ऊपर निकलता है तो एक बाय का कैंडिडेट बन सकता है। यूपीएल अच्छा है बाय के लिए, आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी देखिए बाय कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी इसकी बाय उठा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मूवमेंट इसको मिला हुआ है, अगर मार्केट नीचे आता 1% तो आपको इसे सेलिंग नहीं करनी, आप यहां पर दोबारा बाय करने की कोशिश करें 607 पर, मुश्किल है आना, लेकिन अगर गलती से आ जाए मार्केट तो नीचे फिर से बाय करें, एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर कल मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो एक बहुत अच्छा बाय आपको यूपीएल का देखने को मिल सकता है। तो यूपीएल को हम बाय में रखेंगे, यूपीएल को मैं सेलिंग साइड में नहीं रखने की कोशिश करूंगा, तो यूपीएल मेरा बाय साइड में रहेगा। देखिए आप कोई अगर यहाँ पर क्लाउड बेस पर बात करते हैं तो क्लाउड के ऊपर भी मार्केट निकलने वाला है, तो एक अच्छा यूपीएल में आपको जंप मिल सकता है। तो यूपीएल एक हमारा सीएनसी के लिए कैंडिडेट हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है डिविस लैब, डिविस लैब भी एक अच्छा कैंडिडेट है बाय के लिए, लेकिन डिविस लैब की भी अपनी कुछ कंडीशन है जिनके बेस पर आप डिविस लैब को बाय करेंगे। डिविस लैब की कंडीशन केवल अभी यहां पर एक है कि मार्केट जो है मंथली पिवट के ऊपर आ जाए तो ही आप इसे बाय करें, बाय में है लेकिन अभी बाय में आया नहीं है। तो 3721 पर अभी चल रहा है, 3772 के ऊपर आपकी बाय है, ये आपकी एक अच्छी बाय हो सकती है। अगर आप एक रिस्की बाय करना चाहें तो इसका छोटा टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, मैं अगर वन डे लूं तो छोटा टाइम फ्रेम, देखिए मार्केट अभी अभी अपने पिवट के ऊपर आया है, लेने को रिस्क अभी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अभी भी इसका रिस्की ट्रेड आप उठा सकते हैं, लेकिन आपको नीचे से मैनेज करना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इसको एक अच्छी पोजिशन पे बाय करें तो कम से कम 1 आर के पिवट के ऊपर अपना बाय करें तो एक अच्छा बाय आपको मिलेगा और आप इसे रख भी पाएंगे, एक डिविस लैब आपको एक अच्छा मूवमेंट देखे भी जाएगा, चाहे आप इसका कॉल रखें चाहे फ्यूचर रखें सब काम आएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो इंडसइंड बैंक भी एक अच्छे बाय पर है। देखिए मार्केट डाउन में आया और मार्केट ने बैक किया है, तो एक अच्छा मार्केट इंडसइंड बैंक आपको बाय दे सकता है, इसकी कॉल लेंगे या फ्यूचर लेंगे तो वो भी आपका एक अच्छा काम कर सकता है। तो मैं इस समय इंडसइंड बैंक को एक बाय साइड में रख रहा हूँ, मंथली पिवट के ऊपर भी आ गया है मार्केट, तो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है बाय का। तो अगर मार्केट में इंडसइंड बैंक एक गैप अप खोलता है तो एक अच्छा बाय आपको देखने को मिल सकता है। तो ये नेक्स्ट स्टॉक है जिसके साथ में आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीपीसीएल, बीपीसीएल को डायरेक्टली आप अपने पिवोट के ऊपर बाय कर सकते हैं, बीपीसीएल भी एक अच्छा कैंडिडेट है। देखिए इस समय अगर बीपीसीएल को देखता हूं तो बीपीसीएल में बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो बीपीसीएल भी एक बाय के कैंडिडेट बन सकता है, 48 के ऊपर आप इसे बाय कर पाएंगे बीपीसीएल को। बात आती है एम्फेसिस की, एम्फेसिस बहुत अच्छा इस समय बाय में है, मैंने कुछ टाइम पहले साधन महीने पहले भी बोला था कि एम्फेसिस को आप बाय करें, बहुत अच्छा बाय आपको दिखे जाएगा। यहाँ पर से चेक कीजिए, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया था, इसके ऊपर आपका बाय था, मार्केट ऊपर चल रहा है, अपने 1 month के पिवोट के ऊपर भी आ गया मार्केट, इस समय मार्केट अपने डे के पिवोट के ऊपर भी होगा, तो मार्केट एक अच्छा कैंडिडेट है। आप देखिए यहाँ से अगर बाय करते हैं तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता था, अभी भी इसका मूवमेंट बहुत अच्छा है, अभी भी आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर कल मार्केट अपने पिवोट के ऊपर ओपन होता है तो आप एक अच्छा बाय एम्फेसिस में ले सकते हैं। एम्फेसिस के अलावा अगर मैं बात करूं कॉमोडिटी की, तो देखते हैं गोल्ड क्रूड सिल्वर कहां कहां पर जा सकते हैं, नेचुरल गैस, पहले चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल गैस में एक बाय डेवलप होना था और हम वेट कर रहे थे मार्केट में बाय डेवलप होने का, तो मैं देख लेता हूं इसको, मैं डाटा ज्यादा थोड़ा ले लेता हूं जिससे हम इस पे वर्क कर सकते हैं, और मैं पिवट पॉइंट हटा देता हूं यहां से। तो मार्केट देखिए मैं एक वेट कर रहा था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा था मार्केट, अब मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था नेचुरल गैस का, ये आपका एक रेजिस्टेंस था। मार्केट ने देखिए काफी टाइम से, अगर आप ध्यान देते हैं तो मार्केट में काफी टाइम से ये ब्रेक नहीं हो रहा, इसने ट्राई भी किया मगर ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अब की बार ब्रेक हो गया, तो मार्केट का एक बहुत अच्छा बाय यहाँ पर बन सकता है। तो मार्केट का एक बाय बन भी रहा है, डे टाइम फ्रेम में भी देखिए बाय बन रहा है, एक बहुत अच्छा मोमेंट आपका 247 से और 265
अराउंड 20 पॉइंट का मूवमेंट आपको अभी मिल रहा है यहाँ पर, मतलब पैसे मिल रहे हैं अच्छे से आपको, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 1 आवर की बात करता हूँ तो 1 आवर में भी देखिए मार्केट बहुत ही प्यारे तरीके से ऊपर चल रहा है, एनबी बनाता हुआ ऊपर चल रहा है, तो मार्केट एक थोड़ा सा डाउन में आएगा। अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहें, एवरेज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पर आता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट का, यहाँ से ऊपर चलेगा तो एक बड़ा बाय आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में नेचुरल गैस भी एक बाइंग पोजिशन में है, तो नेचुरल गैस को भी आप बाइंग पोजिशन पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सिल्वर, सिल्वर को देखते हैं सिल्वर कहाँ पर जा सकता है। सिल्वर का एक डाउन मूवमेंट आया था, आपको भी पता है सिल्वर ने एक डाउन मूवमेंट किया था, तो हम जरा इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं सिल्वर को, और ये हम डे टाइम फ्रेम से भी थोड़ा ऊपर चलते हैं, वीक में चलते हैं। तो देखिए मार्केट ने अभी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ये ट्रेंड लाइन मेरी ब्रेक हो चुकी थी और मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे चल रहा है इस समय। तो मार्केट को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो मार्केट का अगर सपोर्ट की बात करूं मैं, ठीक है छोटे टाइम फ्रेम पर भी चलते हैं, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और वो सपोर्ट लेवल कौन सा है मार्केट का देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट का पहला सपोर्ट लेवल आपका ये बन रहा था, दूसरा सपोर्ट लेवल ये बन रहा था, और तीसरा सपोर्ट लेवल नीचे है, तो तीसरा सपोर्ट लेवल बहुत नीचे है, तो अभी हम बात करेंगे इसकी, ये सपोर्ट हमारा अच्छा काम कर सकता है। अब देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है। मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया है, अब अगर पिवोट पॉइंट पर बात करें तो पिवोट के ऊपर कोई रिवर्सल मिलना भी चाहिए मेरे को, तो उसके लिए भी आप थोड़ा काम कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट का एक रेजिस्टेंस था आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस मार्केट अभी ब्रेक करके ऊपर चला है, तो सिल्वर में एक बाय मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मोमेंट आपका यहां तक हो सकता है, इससे ऊपर अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर जाएगा तो आपका अच्छा बाय मिल जाएगा, अदरवाइज यहां तक का आप मोमेंट लेके रख सकते हैं, इतना मोमेंट आपको एक मिल सकता है। अगर इसके पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे तो यहां तक का जो पॉइंट है वो आपका लगभग 3000 पॉइंट का मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, अगर मैं सिल्वर में बात करता हूँ। अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, गोल्ड का भी बिल्कुल सेम हाल है यहाँ पर, तो गोल्ड में देखिए आपके पास एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी अभी, और अभी ब्रेक करके चला है, गोल्ड और सिल्वर दोनों ऑलमोस्ट एक तरह से चलते हैं, तो अगर मैं यहां से लेता हूं तो देखिए ये मेरी ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक हुई थी और ट्रेंड लाइन ब्रेक होके मार्केट चल रहा है ऊपर, तो एक बाय साइड यहाँ पर क्रिएट हो रही है, लेकिन फिर भी अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो गोल्ड उतना बुलिश नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये जो आपका पोजीशन है ये वाला, मैं ज्यादा उम्मीद करूंगा कि मार्केट इससे अगर ऊपर निकलेगा तो मैं गोल्ड को बाय करूंगा। गोल्ड को थोड़ा सा रुक सकते हैं, गोल्ड हो सकता है यहाँ तक सपोर्ट लेने आके तब ऊपर जाए, तो अगर गोल्ड इससे ऊपर जाता है तो एक अच्छा मोमेंट आपको मिलेगा, अदरवाइज आप थोड़ा रुक जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है मगर अपने सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुए, सपोर्ट ब्रेक होने बहुत जरूरी है। अगर नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो ये इसका नियरेस्ट सपोर्ट है, ये देखिए दोनों नियरेस्ट सपोर्ट मिल रहे हैं, तो कम से कम ये तो ब्रेक होने ही चाहिए तभी आप अपना बाय कर पाएंगे। तो ये गोल्ड है आपके पास, गोल्ड और सिल्वर और नेचुरल गैस हमने की है। क्रूड ऑयल को भी देख लेते हैं, क्रूड ऑयल का क्या हाल है। ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देखता हूँ और इसका डाटा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, तो मेरा सपोर्ट मार्केट का जो बना हुआ है, क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट है वो असल में ऊपर है, और उस सपोर्ट को अगर हम मार्क करते हैं, ये सपोर्ट क्रूड ऑयल का बना हुआ है और मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट एक सेलिंग का मार्केट बना हुआ है। लेकिन एक छोटा सा केस और भी है कि हमारे पास एक नीचे सपोर्ट बहुत अच्छा है, ये सपोर्ट बहुत अच्छा है, मार्केट उसी सपोर्ट पर अपना सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहां से अगर मैं देखता हूं, देखो मार्केट अपना साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो रखा है, अगर ये मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंट बाय का मिल सकता है, अगर निकलता है तो हमें वेट करना है मार्केट का, ये एक रेजिस्टेंस है फिर ये एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होते हैं तो मार्केट में हमारा बाय बन जाएगा। तो अभी हम क्रूड ऑयल में थोड़ा सा वेट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स की या क्रिप्टो, क्रिप्टो पे तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो देखते हैं फॉरेक्स में क्या हमारा कोई बाय बनता है, इसको भी ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं फॉरेक्स को भी देख लेता हूं यहां से कि फॉरेक्स मेरा बाय में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये फॉरेक्स की कुछ करेंसी पेयर है, ये कुछ करेंसी पेयर है, किन करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो, किन करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो। मैं एनालिसिस कर रहा हूं वीक का, तो यूरो सीजीएफ को देखते हैं पहले। यूरो सीजीएफ एक अच्छा बाय का कैंडिडेट है,
इसको आप एवरेजिंग करके बाय रख सकते हो, एवरेजिंग करके डायरेक्ट बाय, अगर डायरेक्ट बाय करके रखना चाहते हो तो लॉट को थोड़ा कम रखना, लॉट को थोड़ा कम रखना। ये एक सपोर्ट लेवल है यूरो सीएचएफ का, तो मार्केट यहां से वापस जा रहा है। अगर अब इसके ऊपर चलेगा तो एक बड़ा बाय आपको दे सकता है। चिकाउ स्पैन थोड़ी सी दूर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चिकाउ स्पैन थोड़ी सी पास आ जाए तो एक बड़ा मोमेंटम मेरे को मिल जाएगा, तो मैं इसको छोटे लॉट के साथ में भी बाय करके छोड़ सकता हूँ, ये मेरे को प्रॉफिट दे सकता है यूरो सीएचएफ। नेक्स्ट इज जीबीपी, ईओआर जीबीपी, इसको आप रख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़े टाइम बाद रखिएगा, मार्केट को इसके ऊपर निकल जाने दे तो आपके पास एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज एयूडी सीएडी, इसको भी आप रख सकते हैं। एयूडी कैडी के आपको दिख रहा है, ये भी आपके पास एक अच्छा कैंडिडेट है। अगर मार्केट जरा सा भी ऊपर इसके ऊपर चलता है तो आप एक बाय का मूव ले सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप छोटे लॉट में एवरेज करके रख लें तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा थोड़े टाइम बाद। नेक्स्ट इज एयूडी सीएचएफ, ये भी एक बहुत अच्छा मोमेंट दे सकता है आपको। मैं वेट ही कर रहा हूँ कि मार्केट अगर जैसे ये आपका सपोर्ट लेवल है, देखिए मेरा ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पर, तो मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चलेगा, जब ये वापस चलेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आपके पास देखने को मिल सकता है आपको। ये एयूडी सीएचएफ है। एनजेडी कैड, इसको भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसको आपको एवरेजिंग करनी पड़ेगी, अगर आप करंट पोजिशन से बाय करेंगे तो नीचे तक आपको थोड़ी एवरेज और करना पड़ सकता है, तो इसको अगर थोड़ा सा रुक के लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एनजेडी सीएचएफ ये बहुत अच्छा है, इसको आप रख भी सकते हैं और इसको एवरेजिंग कर सकते हैं, इसे करंट पोजिशन पर बाय भी कर सकते हैं। एनजेडी सीएचएफ को आप करंट पोजिशन पे बाय भी कर सकते हैं, प्लस अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर, ये इसका सपोर्ट भी है, तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर एक और बाय आप डाल सकते हैं, या अगर एक यहाँ पर लिया है तो डबल यहाँ पर डाल सकते हैं, तो एक बड़ा मोमेंट आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। क्राउड भी श्रिंक होने के लिए तैयार है, तो मार्केट में एक बड़ी पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं एनजेडी यूएसडी की बात करता हूँ, ये अभी बाय में शुरू हुआ है, इसको आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि मार्केट ने अभी बाय पोजिशन नहीं बनाई है, तो मार्केट में एक बाय पोजिशन क्रिएट हो रही है लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा एक महीना लग जाए इसके लिए, तो थोड़ा सा आप इसको वेट करें और भी देख लेते हैं। ये सब बाय में नहीं है, ये भी बाय में नहीं है, तो आपके पास ये कुछ करेंसी पेयर है जो कि बाय में थे, ये मैंने ऊपर वाले करेंसी पेयर आपको बताए, ये आपका बाय में है, इनको आप बाय में रख सकते हैं। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था मार्केट का, हमने आज जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस हमने आज निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ स्टॉक्स पे हमारे कॉमोडिटी थी और फॉरेक्स, सब में हमने अपना एनालिसिस किया है, तो होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आता होगा और आपके ट्रेड लेने में ये पूरा एनालिसिस हेल्प करता होगा। आप लोगों को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जो आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना समझते हैं और एक ट्रेडर की वैल्यू को समझते हैं, कौन ट्रेडर अच्छा है खराब है ये समझते हैं आप, कौन से ट्रेडर आपको सिखा सकता है, कौन से ट्रेडर की जो चैनल है वैल्यूएबल है ये समझते हैं आप, तो इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।